देखो भाइयों, 963 स्वराज पर पुन्नी 63। पुन्नी 63 बोलते हैं इसको, बहुत भयंकर गाला खाती है ये। देखो थोड़ा समय लगने देगी, डालने वालों की कमी पड़ जाती है इस पर भाई, कितनी स्पीड थी ये देखो। इंटरव्यू लेते हैं इनका, कैसा क्या रहता है इनका, मतलब 63 पे कितना डीजल खाता है ये सब बताएंगे आज हम आपको। जो पुन्नी 63 पे एक घंटे में कितना डीजल ले लेता है ये ट्रैक्टर, ये देखिए स्वराज का 963 एफ ही है, ये 963 एफ ही है भाई। और इसमें प्लाउ ब्लेड मिलेट सब लगी हुई है, प्लाउ ब्लेड पर भी चलवा सकते हैं। और आइए अब हम जो ट्रैक्टर मालिक है उनसे पूछते हैं कि कितना डीजल लेता है ये एक घंटे में। हाँ तो ये किसान है जिनका ये ट्रैक्टर, उनसे पूछते हैं भाई ये एक घंटे में कितना डीजल लेता है। हाँ बता रहे हैं 5 लीटर डीजल जो है एक घंटे में ले लेता है ये। और एक घंटे में कितनी निकाल देता है, एक घंटा में कितनी निकाल दे रहे ये एवरेज के हिसाब से ले जा रहे हैं। मतलब फिर भी तो एवरेज के हिसाब से तो 4 भी निकाल, फिर भी एक डाला कितने निकाल, कितने घंटे में निकाल देता है। दो घंटे के समथिंग ही एक डाले जो है सोयाबीन निकाल देता है। और इस थ्रेसर से आप मक्का भी निकलवा सकते हैं, मक्का बिल्कुल साबुत मक्का भी ये निकाल देगा। तो भाई डीजल माइलेज ये है 963 का स्वराज एफी का, एक घंटे में 5 लीटर ले रहा है इस पुन्नी थ्रेसर पे। हाँ कम से कम 5 है, ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा भी ले सकता है, अगर गीली सोयाबीन है तो ज़्यादा भी ले सकता है। यानी एप्रोक्स अगर तुम गीली सोयाबीन इससे निकालोगे तो भाई 7 से 8 लीटर जो है डीजल ये ले लेता है, क्योंकि ट्रैक्टर बड़ा है भाई। इसकी अपेक्षा अगर इसको 44 पे चलाए तो कम खाएगा, 44 ज़्यादा खाता है इससे। अच्छा तो ये 963 का एवरेज बता दिया भाई, ये किसान भाई हैं हमारे। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।